नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 567वां एपिसोड। आज 15 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल क्रिकेट जगत के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी आज की खबरें लेकर हम हाजिर है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है, 26 विदेशी प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट आ चुकी है जो कि शुरुआती पहले हफ्ते में आईपीएल में नहीं खेलेंगे। उन सभी के नाम बताऊंगा, एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपके फोन पर देते हैं, तो लाइक और शेयर तो आप वीडियो को करते ही करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई आईपीएल की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर ये रिपोर्ट है। खबर दोस्तों यही है कि फिटनेस क्लियरेंस अभी तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने चेन्नई सुपर किंग्स के दो खिलाड़ियों को नहीं दिया है। कल सूर्य कुमार यादव को फिटनेस क्लियरेंस मिला है, मुंबई के ईशान किशन, सीएसके के दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों को अभी तक फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है। बता दूं आपको कि अगर एनसीएफ फिटनेस क्लियरेंस नहीं देगी तो ये प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आईपीएल में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट मार्क वुड को लेकर आ रही है। क्या खबर है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई एमसीपी शॉर्ट हमारा नया चैनल आ चुका है और हर रोज वीडियो डल रहे हैं। 60,000 लोगों ने लगभग सब्सक्राइब भी कर लिया। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली, फटाफट खोलिए एमसीपी शॉर्ट को, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आईपीएल और क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियों को एक एक मिनट के छोटे वीडियो फॉर्मेट में वहां पर दिखाते हैं। देर मत करना, सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बड़ी खबर मार्क वुड की इंजरी को लेकर आ रही है। मार्क वुड की इंजरी पर अभी तक डाउट कंटिन्यू है एंड रिसेंटली कोई रिपोर्ट अब नहीं निकल कर आई है कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तो 2-3 दिन में दोस्तों पता लगेगा मार्क वुड के हवाले से। हालांकि ये चीज अब ऑल दो सोर्सेस के हवाले से एविडेंटली आ चुकी है कि वो नहीं खेलेंगे, बाकी क्या होता है समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट एबी डिविलियर्स के हवाले से आ रही है। एबी डिविलियर्स ने फाफ डू प्लेसिस की आरसीबी के नए कप्तान के रूप में नियुक्ति होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ही इज द परफेक्ट मैन फॉर द जॉब। इस जॉब के लिए एबी डिविलियर्स ने कहा है कि ड्यू प्लेसिस एक परफेक्ट आदमी थे। अब सीधी बात है भाई कि एबी डिविलियर्स का ये बयान जाहिराना तौर पर ये बताता है कि आरसीबी ने फैसला बहुत सारे लोगों से पूछ कर लिया है और एबी भी उनमें से एक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, तो हार्दिक पांड्या के बॉलिंग एक्शन और बॉलिंग को लेकर बड़ी रिपोर्ट आई है। आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे से हार्दिक पांड्या, हम पिछले आईपीएल में भी देखा, गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, चोटे हैं, तो इसको लेकर दोस्तों पांड्या ने खुद बड़ी बात कही। गुजरात टाइटंस के जर्सी लॉन्च इवेंट के दौरान पांड्या ने कहा इट विल बी सरप्राइज। उनसे पूछा गया था कि क्या आप गेंदबाजी करेंगे इस साल, तो पांड्या ने कहा आपको आईपीएल के टाइम ही पता लगेगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो भाई मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड अब हो गया हूं, दो हफ्ते भी नहीं बचे हैं आईपीएल में, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम का बहुत कुछ हार्दिक पांड्या पर टिका हुआ है। अगर गेंदबाजी करते हैं, पूरा ऑलराउंडर शो देते हैं ना हार्दिक पांड्या, तो बहुत कुछ हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट टाइमन मिल्स के हवाले से आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम ने टाइमन मिल्स को खरीदा है और इस पर टाइमन मिल्स ने कहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विथ जसप्रीत बुमराह। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं टाइमन मिल्स और जसप्रीत बुमराह के साथ खेलना चाहते हैं। लेट्स सी दोस्तों इस पर आगे क्या होता है, बट जो ये जो रिपोर्ट आई है टाइमन मिल्स जसप्रीत बुमराह के हवाले से बताता है कि इस बार मुंबई इंडियंस की टीम की जो जोड़ी बनेगी तेज गेंदबाजों की, उसमें एक जसप्रीत बुमराह होंगे और दूसरे शायद टाइमन मिल्स हों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट दोस्तों आईपीएल में ओवरसीज खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है। लिस्ट सामने आ चुकी है उन 26 विदेशी खिलाड़ियों की जो आईपीएल के शुरुआती हफ्ते में नहीं खेलेंगे, और उसी लिस्ट को अब हम थोड़ा सा आपको पढ़कर सुना देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ड्वेन प्रिटोरियस शुरुआती एक हफ्ते में नहीं अवेलेबल रहेंगे। मुंबई की तरफ से जोफ्रा आर्चर, केकेआर की तरफ से दो प्लेयर है पैट कमिंस और एरन फिंच, उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक खिलाड़ी है वेंडर डसन, एसआरएच की तरफ से दोस्तों तीन खिलाड़ी हैं मार्को जेंसन, सीन एबट और एडम मैक्राम। तो वही अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, एंड्रे शिनोडजी, मुस्तफिजुर रहमान और लुंगी एनगीडी, पांच विदेशी प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये बड़ी बात है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम आरसीबी की बात करें तो तीन विदेशी प्लेयर्स बैरन रॉफ, मैक्सवेल एंड जेसन वुड, ये तीनों अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये भी बड़ी बात है। उसके अलावा पीबीकेएस की टीम के हवाले से जॉनी बेस्ट्रो, कलीसो रबाडा और नेथन एलिस, लखनऊ की टीम में मार्कस स्टोनी, जेसन होल्डर, के मेयर्स, मार्क वुड और डी कॉक, पांच विदेशी प्लेयर्स लखनऊ के उपलब्ध नहीं रहेंगे, और गुजरात टाइटंस के डेविड मिलर और अंजारी जोसा। यह अभी लिस्ट निकल कर आई है उन 26 विदेशी खिलाड़ियों की जो आईपीएल का शुरुआती हफ्ता नहीं खेलेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्श न्यूज
बहुत हार्श न्यूज है ये आईपीएल के लिए। क्यों है दोस्तों? क्योंकि आईपीएल में कभी हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है जब विदेशी प्लेयर्स की अनुपलब्धता शुरुआत में इतने बड़े पैमाने पर हो जाए, और इस बार हुई है और हर टीम अफेक्ट हुई है। हालांकि सबसे कम नुकसान इससे चेन्नई एमआई को हुआ है, राजस्थान रॉयल्स को हुआ है, सिर्फ इन तीन टीमों को सबसे कम नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका क्या असर पड़ेगा आईपीएल में, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों मुंबई के हवाले से। आईपीएल की तमाम टीमें आज से 15 तारीख से मुंबई में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ टीमें गुजरात में अपना कैंप लगाई हुई है, कुछ टीमें राजस्थान में, कुछ टीमें दिल्ली में, कुछ टीमें चेन्नई में अपना कैंप लगा, माफ कीजिए, बेंगलोर में अपना कैंप लगाई हुई है। तो अब ये सारे प्लेयर्स यहां से हवाई जहाज के जरिए उड़कर 3 दिन का बायो बबल करेंगे मुंबई में, क्वारंटाइन करेंगे, बायो बबल का हिस्सा फिर बनेंगे। तो जाहिर है एक कह ले अब मुंबई जाना अब शुरू हो जाएगा, और इसको लेकर अब आने वाली रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के हवाले से रिपोर्ट है, ग्रैम स्मिथ के हवाले से रिपोर्ट यह है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की आईपीएल के शुरुआती 3 हफ्ते में अनअवेलेबिलिटी कंफर्म हो सकती है, सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका की, एंड दैट इज वाई ग्रैम स्मिथ से बातचीत चल रही है। लेकिन रिपोर्ट ग्रैम स्मिथ के हवाले से यह है कि अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो यहां से ज्यादातर चांसेस यही निकल कर आ रहे हैं दैट कि भाई यहां पर अनअवेलेबिलिटी हमें दिख सकती है। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो भाई ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये विराट कोहली की सुरक्षा से निकल कर आ रही है, जुड़ी हुई। इंडिया श्रीलंका सीरीज के दौरान फैंस ने बायो बबल को, सिक्योरिटी को ब्रीच किया, विराट कोहली तक पहुंचे और उनके साथ सेल्फी ली, और बीसीसीआई में ये मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है। क्योंकि राइट नाउ भाई अगर आप ठीक है, अगर आप एक सिक्योरिटी तोड़कर सेल्फी लेते हो बड़ा बात नहीं, लेकिन कोरोना के समय आप बायो बबल भी तोड़ रहे हैं, और ऐसा अगर आईपीएल के समय होता है और मान लीजिए कोई पॉजिटिव निकल गया तो ये बहुत भयानक स्थिति आईपीएल में बनेगी, पिछले साल हमने देखा था। तो इसको लेकर बीसीसीआई एक बैठक करने वाला है, एंड डेफिनेटली गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में खिलाड़ियों को कोविड रूपी सुरक्षा प्रोवाइड करने में जरूर बहुत सारी चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। इंडिया श्रीलंका सीरीज के दौरान एक बड़ा मसला सामने आया, जब मैच के दौरान, मतलब श्रीलंका और इंडिया के मैच के दौरान, एबी डिविलियर्स पब्लिक जो थी, ऑडियंस जो थी, स्टेडियम में बैठी हुई चैंट करने लगी, चिल्लाने लगी, और ये बताता है कि एबी डिविलियर्स किस लेवल पर भारत में स्टार है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। एमसीटी शॉर्ट नया चैनल आ गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।